हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पर डे वन बाय वन करके सभी लेक्चर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कई सारे फार्म हैं, जैसे वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसके लिए टू डायमेंशनल हाइड्रोजन वेव का फंक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे। आगे हम वन डायमेंशनल के लिए निकालेंगे, टू डायमेंशनल के लिए निकालेंगे, इसके अलावा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालेंगे और टाइम इंडिपेंडेंट भी निकालेंगे। जनरली जब आप सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक जनरल फार्मूला लिखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं, एक सिंपल फार्मूला लिखते हैं जिसमें आप लिखते हैं डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी अपान एच स्क्वायर बराबर जीरो। आप सभी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन तो लर्न होना ही चाहिए। अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात आए तो सबको एक क्वेश्चन दो तीन बार आप इसको ट्राई करिए लिखने का और लिखने का प्रयास करिए, इस इक्वेशन को एकदम से लर्न कर लीजिए, जहाँ पे एक्स वाई जेड और क्या है पोलर कोऑर्डिनेट है तीनों एक्सिस पे। तो डेल स्क्वायर साई पान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई पान डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी अपान एच स्क्वायर साई बराबर जीरो। इक्वेशन सबको याद होना चाहिए। आगे हम बताएंगे यहाँ पे कौन कौन से फार्म इसके लिए गए हैं, ई क्या है, एच क्या है, वी क्या है, एम क्या है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे बताएंगे। अगर हम बात करें 1926 की, तो 1926 में जो इरविन श्रोडिंगर हैं वो पुट फॉरवर्ड दी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। 1926 में आपके साइंटिस्ट जो थे श्रोडिंगर, जिसका पूरा नाम था इरविन श्रोडिंगर, उन्होंने एक फंडामेंटल इक्वेशन दिया क्वांटम मैकेनिक्स में। दिस इक्वेशन गिव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेविंग एज ए वेव। एक क्वेश्चन हमें एक ऐसा आइडिया देता है, एक ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, वो वेव के जैसे बिहेव करता है। वेव पार्टिकल्स क्वालिटी एंड ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ इस तरीके से, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं जिसमें चार ऑप्शन दे दिया जाता है, पूछता है इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का राइट फॉर्म कौन सा है। तो आपको ये सारे पॉइंट पता होना चाहिए। आप लेक्चर को दो तीन बार देखिए, जब भी आपको टाइम मिले सारे लेक्चर को रिवाइज जरूर करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा। हुअर साइज दी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेव एंड इज कॉल्ड वेव फंक्शन। जहाँ पे साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है, एंड उसे क्या कहते हैं, हम वेव फंक्शंस कहते हैं। तो कभी कभी पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय साई, साई यहाँ पे क्या है, तो साई एक वेव फंक्शन है। और एक्स वाई जेड क्या है, स्पेस कोऑर्डिनेट है, जो आप तीन एक्सिस बनाते हैं एक्स वाई जेड वहाँ पे स्पेस कोऑर्डिनेट है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है, एम है। ई क्या है, टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी उसे हम ई से जनरेट करते रिप्रेजेंट करते हैं। बी क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। और एच क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। याद करिएगा, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, टोटल एनर्जी, बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखिए, अगर कहीं पे लिखा है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, मीन्स साई डिपेंड अपॉन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड डेरिवेटिव विस एक्स वाई एंड जेड। और इन सबका क्या किया गया है, सेकेंड डेरिवेटिव किया गया है, दो बार इसका डिफ्रेंसिएशन किया गया होगा, जो आपको डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई आपको मिला हुआ है। अब हम इसका डेरिवेशन आपके साथ देखेंगे किस तरीके से आप इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन यहाँ पे जनरल इक्वेशन जो है उसको याद करना होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन दी आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एज स्टैंडिंग आर स्टेशनरी वेव अराउंड द न्यूक्लियस। द जनरल इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव्स स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग इज साइज इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्स अपान लिमडा। आप पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप इसी इक्वेशन से डेराइव कर लेंगे, तो इसको तो आप याद कर लीजिए, दो तीन बार इस डेरिवेशन को कॉपी में लिखिए।
आप प्रैक्टिस करिए तो आपके जितने भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे और सब्जेक्टिव में भी हेल्पफुल होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ही यूजफुल है। अभी हम लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें, जो कि क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो साइज इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब इसी का हम डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव है जो इस तरीके से क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है निश्चित पाथ में, स्टैंडिंग वेव। और वेव फंक्शन उसका क्या है, साई है। और जो दो वेव है इसके बीच के जो डिस्टेंस है, स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है साई इज इक्वल टू वेव ऑफ हर डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दी वर्जिन इन वन डायरेक्शन। लेमडा क्या है, वेव लेंथ ऑफ दी वेव, जो वेव है उसकी वेव लेंथ है। ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यही क्वेश्चन अभी आपने निकाला था कि साई इज इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा। अब इसी क्वेश्चन का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डेल का साइन लगाते हैं यहाँ पे। तो ऑन डिफ्रेंसिएशन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में हम क्या है? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई अपान डेल, सॉरी डेल साई अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल एक्स, ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा। अब इसका हम सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आगे हम देखेंगे जो साइन होता है डेल अपान डेल एक्स, साइन एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिखते हैं। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कॉस मिलता है। तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपान डेल एक्स साइन एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका, ए कॉस एक्स टू पाई एक्स अपान लेमडा। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। फर्दर क्या करेंगे, इस इक्वेशन सेकेंड को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार आपने जब डिफरेंस किया, पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कास में हो गया। फर्दर जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कास किस में चला जाएगा, फिर से साइन में चला जाएगा। तो अगला देखेंगे, डेल कास एक्स अपान डेल एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स होगा। तो कास एक्स अपान डेल एक्स की जगह पे क्या होगा आपका, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा, टू पाई अपान लेमडा इन टू टू पाई अपान लेमडा। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे भी टू पाई अपान लेमडा है, यहाँ पे भी आपका टू पाई अपान लेमडा है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्या है, माइनस ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा, इतना चीज आपको मिल गया। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा फ्रॉम इक्वेशन वन टू इक्वेशन थर्ड। अब आपने सबसे पहले इक्वेशन में क्या लिखा था, आप सबसे पहला इक्वेशन देखिए क्या लिखा था आपने, साइज इक्वल टू ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा। तो जहाँ पे ए साइन टू पाई एक्स अपान लेमडा है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या होगा, डेल स्क्वायर अपान एक्स अपान डेल एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो ऐसे रहेगा, फोर पाई स्क्वायर अपान डेल लेमडा स्क्वायर माइनस वैसे रहेगा और इसकी जगह पे हो जाएगा साई। अब इसको माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर, साई इज इक्वल टू जीरो। जब तक आप इसको दो तीन बार लिख के खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जब भी इस लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो आप वॉच करते समय सारी चीज़ें लिखिए, देखिए कौन सा टर्म कहाँ पर आया है, कैसे आया, उसी समय आप सारी चीज़ों को पूछेगा। प्लीज़ अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी लापरवाही मत करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपने आपको एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं, एक अच्छी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप देखिए कि आपने लिए पूरे दिन में कितने घंटे निकल रहे हैं, आपके पूरे घंटे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हो जा रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए समय ज़रूर निकालिए।
आप कोई अच्छा सा लेक्चर देखिए, कोई अच्छी सी मॉरल स्टोरी देखिए, उन सब में समय अपना वेस्ट कीजिए। अब अगर हम बात करें तो जो ड्री बोगली इक्वेशन होता है, सबसे पहले आपने ड्री बोगली पढ़ा था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, इसके अलावा क्वांटम नंबर पढ़ा, चौथा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ड्री बोगली इक्वेशन का आता है कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर हम लेमडा का स्क्वायर करें तो इन सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को हम क्या करें, लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन 4 में यहाँ पे रख सकते हैं। जब रखेंगे तो हमें एक अगला इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई अपान डेल एस स्क्वायर 4π² अपान 4π² एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हुआ, इक्वेशन 5 हुआ। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द स्टैंडिंग वेव इन वन डायरेक्शन आर फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन डायरेक्शन। इस तरीके से आपने एक इक्वेशन यहाँ पे लगाया हुआ है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फॉर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मोशन अगर थ्री डायमेंशन में हम देखते हैं तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई पान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई पान डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई पान डेल जेड स्क्वायर प्लस 4π² एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो जो अभी आपने श्रोडिंगर वेव इस इक्वेशन से लिखा था, आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको एक इक्वेशन दिखा हुआ मिल रहा है तब भी आप कहेंगे कि ये इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल्स। हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारा वो पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रहा है। द टोटल एनर्जी ई ऑफ द सिस्टम विल बी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात करें किसी भी सिस्टम की तो टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अगर कहीं पर हम ई इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल एनर्जी, ई टोटल बराबर क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, 1/2 mv². ये छोटे छोटे इक्वेशन जरूर लर्न करिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 mv² प्लस बी। अब इससे बी क्या करिए, इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, ई माइनस बी बराबर 1/2 mv², और यहाँ से अगर बी स्क्वायर निकालेंगे तो 2e - b बराबर एम डिवाइड बाई एम। अब इस वैल्यू को, जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 7 से इक्वेशन 6 में रख सकते हैं। और जब इसको इक्वेशन 7 से इक्वेशन 6 में रखेंगे तो जहां पे आपका बी स्क्वायर लिखा होगा आपने 4π² एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2e - b अपान एम। जब इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आपको एक अगला इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से जनरेट मिलेगा। यानी 2 जब लिखेंगे तो क्या होगा, 4 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8π² एम e - b अपान एच स्क्वायर साइज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आपको क्या करना था, डेराइव करना था। यहाँ पे थोड़ा एक बार और आप इसको ओपन करके लिख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको डेराइव करना था। आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ हमसे पूछेंगे, हम प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में उसको बता देंगे, अथवा आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इक्वेशन 8 में आल्सो वी रिटन एज डेल स्क्वायर साई प्लस 8π² एम अपान एच स्क्वायर e - b साई इज इक्वल टू 0। अगर आपसे कोई कह रहा है कि लैपलेसियन ऑपरेटर के फॉर्म में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कौन सा है, तो वहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 लिखेंगे, जहाँ पे डेल स्क्वायर क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है जिसे आप क्या बोलते हैं, लैपलेसियन ऑपरेटर।
तो लैप्लेसियन ऑपरेटर के फॉर्म में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है? डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू जीरो, एक क्वेश्चन आपका 9 होगा। और डेल स्क्वायर साई बराबर क्या होगा? डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। इस सब की जगह पे आपने क्या यूज किया है? डेल स्क्वायर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो आपका न्यूक्लियस है इससे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है इसके लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो बी बराबर क्या होता है? माइनस जेडी स्क्वायर अपान आर, जहाँ पे जेडी क्या है? जेड क्या है? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। ई क्या है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर बी की वैल्यू यही सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो आपको अलग इक्वेशन मिल जाएगा। यही बी की वैल्यू अगर रखेंगे ई माइनस बी की जगह पे आप क्या रख रहे हैं? जेड स्क्वायर अपान आर, तो अगला इक्वेशन आपको यही मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 10 इंटू इक्वेशन 8 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम हाइड्रोजन एटम इन थ्री डायमेंशन में भी रिटर्न एज, तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर साई अपान डेल एस स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर। आप इसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखिए चीज़ों को, तभी आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ऐसे तो देखने में बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है, बहुत लोग उससे दूर भी भागना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें परफेक्ट बनेंगी। तो डेल स्क्वायर साई पान डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई पान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई पान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपान आर साई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया? इक्वेशन 11 हो गया। अगर जेड इज इक्वल टू हम 1 रख दें तो इक्वेशन 11 को हम कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जेड की जगह पे 1 लिखेंगे तो इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यही आपका सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था जिसको आपने डिस्कस किया आज। आप मान के चलिए अगर आप इस लेक्चर को आज आप वॉच कर रहे हैं तो आप इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आज ही 2-3 बार लिखिए और प्रैक्टिस करिए और देखिए कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, उन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और आज ही इस इक्वेशन को लर्न करिए कि पोटेंशियल एनर्जी हम क्या रखेंगे, किस तरीके से सारे इक्वेशन एक दूसरे से कोरिलेट होते जा रहे हैं और हाइड्रोजन एटम के लिए क्या यूज करेंगे। इन सारे पॉइंट को आप ज़रूर देखिए। जब तक आप कोई भी चीज़ों को बहुत अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसको आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। Thank you so much.